नाम है मैं नहीं रह रहा हूँ ना यहाँ, पहले बोला क्या भाई, बोला नहीं बोला इतने दिनों कोई आपको रहना भी चाहे तो नहीं रहते यहाँ। लोगों के चंगो मंगों को चढ़ा दिए, वहाँ से मैं देख ले सारू मैं आपके किरदार को, हमारे साथ क्या रवैया है, क्या है क्या नहीं है। आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देखो इख्तलाफ राय है, ये इख्तलाफ राय में आप अकेले एक तरफ है, दूसरे 25 लोग एक तरफ है, तो आपकी एक बात सुनते हैं 25 लोग। नाज़रीन अदब एनडी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के कोटतला झंडा कट्टा के करीब वाक़ा खानखाए बसरिया में आज मशाइखीने इकराम, सज्जादगाने इकराम और बारगाहों के जिम्मेदारान का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें ये एजेंडा तय किया गया था कि शेख दाऊद साहब की वक्त जदा दरगाह मस्जिद हजरत नूर शाह में तदफीन पर शहर में फैली हुई बदामनी पर तबादला ख्याल किया जाए। इस एजेंडे के तहत आज ये इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ सज्जादगान ने और मुख्तलिफ मशाइखीन ने अपनी अपनी राय पेश की। इजलास में इत्तेफाक़ राय से एक क़रारदाद मंजूर की गई, जिसमें ये कहा गया कि दोनों फरीक़ैन को अमन क़ायम रखने की पुरज़ोर अपील की जाएगी, यानि दोनों फरीक़ैन को अमन क़ायम रखने के लिए पुरज़ोर अपील की गई। शहर में इश्तेआल या फिर बदामनी की फ़िज़ा क़ायम ना होने दी जाए, बल्कि दोनों कि फरीक़ैन को चाहिए कि शरई और क़ानूनी हैसियत से पुरअमन तरीके से इस मसले का हल किया जाए। इस सिलसिले में मशाइखीन इकराम ने इस बात की शदीद मज़म्मत की कि तदफीन के मामले में अलाज ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी फारूकी साहब की एक तरफा ज़ाती फैसले के ख़िलाफ़, बल्कि मुकामी मशाइखीन इकराम को फैसले में शामिल ना करने की सख्त मज़म्मत की गई। इस इजलास में मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादगान मौजूद थे, खसूसी तौर पर हजरत सैयद शाह शमसुल हक़ुद्दीन मोहम्मद हुसैन हाजीउल हरमैन रहमतुल्लाह अलैह, हुसूर शरीफ के सज्जाद नशीन सैयद शाह नबी मुहिद्दीन खादरी अलबसरी उर्फ सैयद शाह चांदपीर खादरी अलबसरी साहब के अलावा बारगाह हजरत खुतबे रायचूर सैयद शाह अहमद शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी, इनके अलावा बारगाह शेख अली शहीद के मुतवल्ली सैयद शाह मोहम्मद पीर खादरी मक्की अल हुदल, बारगाह हज़रत सैयद शाह अबूता खादरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन, बारगाह हज़रत सैयद शाह रहीमुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन के अलावा बारगाह हज़रत सैयद शाह गौस मुहिद्दीन खादरी रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन, अलहाज सैयद शाह आरिफ शाह खादरी जुनेदी रायचूर के अलावा बारगाह हज़रत शेख जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली, बारगाह हज़रत सैयद शाह लतीफ़ पीर खादरी लाहौली रहमतुल्लाह अलैह, बारगाह हज़रत सैयद शाह नबी मुहिद्दीन खादरी अलबसरी, बारगाह हज़रत सैयद शाह अहमद पीर खादरी रहमतुल्लाह अलैह, बारगाह हज़रत सैयद शाह करीमुद्दीन खादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बारगाह हज़रत चमन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम बारगाहों के जुम्मेदारान के अलावा मुजद्दीन ने भी इस इजलास में शिरकत की।